राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा से जुड़े विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कपल पर आरोप है कि उन्होंने गोल्ड स्कीम के नाम पर एक व्यापारी से 90 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। अब इस मामले में शिल्पा राज के वकील का ऑफिशियल बयान सामने आया है। बयान के अनुसार शिल्पा राज ने व्यापारी के 90 लाख रुपए पहले ही चुका दिए हैं और पुलिस को इसके सभी सबूत दे दिए हैं। पुलिस ने जांच बंद कर दी थी। हालांकि शिकायतकर्ता ने प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की है, जिसके चलते कोर्ट ने दोबारा केस की जांच के निर्देश दिए हैं। शिल्पा शेट्टी और राज के वकील प्रशांत पाटिल ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा, शिकायतकर्ता ने मेरे मुवक्किलों राज कुंद्रा और शिल्पा के खिलाफ 2022 में क्रिमिनल कंप्लेंट की थी। साल 2022 में इस मामले की जांच हुई थी। जांच में पाया गया था कि शिल्पा और राज ने लीगल तरीके से शिकायतकर्ता को उसके 90 लाख रुपए चुका दिए थे। भुगतान से जुड़े सभी दस्तावेज मेरे मुवक्किलों ने पुलिस को सौंपे थे। सच्चाई सामने आने के बाद पुलिस ने मेरे क्लाइंट्स के साथ न्याय किया था। पूछताछ के बाद शिकायतकर्ता ने CRPC की धारा 156 के तहत माननीय न्यायालय में एक प्राइवेट कंप्लेंट की थी। 2 साल के बीतने के बाद माननीय न्यायालय ने पुलिस को केस की दोबारा जांच करने के आदेश दिए हैं। हमें न्याय प्रणाली पर भरोसा है। आगे वकील ने कहा कि सच्चाई की जीत होगी। मेरे मुवक्किलों ने कोई अपराध नहीं किया है और इसे दस्तावेजों के जरिए साबित किया गया है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।